दिसंबर के अंतिम या तीसरे सप्ताह में एक मीडिया भोज का आयोजन करते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले 4 वर्षों में हम लोग इस तरह के मीडिया भोज का आयोजन करते रहे हैं और आज का आयोजन भी नववर्ष के उपलक्ष्य में ही किया गया है। आप लोगों को शिकायत रहती है कि मैं बाइट नहीं देती, आज इतनी फूड बाइट्स का इंतजाम मैंने किया है, इतने फूड बाइट्स का इंतजाम किया है कि केवल बाइट नहीं, बाइट्स आप ले सकते हैं, हर स्वाद की बाइट ले सकते हैं, अलग अलग प्रदेश की बाइट ले सकते हैं। तो सारी की सारी शिकायतें आज दूर कर दीजिए और जितने फूड बाइट्स हैं उतनी आप यहाँ से लेकर के जाइए। अच्छा इंतजाम DSXP ने किया है, मुझे लगता है कि जो कुछ उन्होंने यहाँ तैयारियाँ आपके लिए की हैं आपको पसंद आएंगी। जहाँ तक हर व्यक्ति से मिलने का सवाल है, आपने देखा है कि पिछले वर्ष से मैंने ये परंपरा शुरू की है कि हर टेबल पर मैं स्वयं आती हूँ। तो जितनी टेबल्स पर आप लोग बैठे होंगे, 14 टेबल्स गणेश बता रहे, मैं हर टेबल पर खुद आऊँगी। एक चेयर उन्होंने अलग रख रखी है मेरे लिए, आप लोग अपना अपना खाना लेकर के वहाँ बैठ जाइए, मैं आप में से बाइट नहीं लूँगी। तो आप बिल्कुल अपना खाना खाते खाते हम लोग बात करेंगे और उसके बाद मैं दूसरी टेबल पर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए ये भोज से ज़्यादा आप सबसे व्यक्तिगत मिलने का एक अवसर होता है। वर्ष में एक बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ तो भी आमने सामने बैठते हैं, साथ साथ नहीं बैठते। मेरे लिए एक अवसर आपके साथ बैठने का होता है। तो हर एक मीडिया बंधु से जो यहाँ आए हैं, हर एक मीडिया बहन से जो यहाँ आई हैं, उन सबसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने आऊँगी। आप लोग अपना अपना खाना लेकर के अपनी अपनी टेबल्स पर आ जाइए, उसके बाद मैं मिलना शुरू करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की बधाई, अ मैरी क्रिसमस, अ हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू सो मच।